ये कराची का इलाका 381 एरिया है, जहाँ की कच्ची बस्तियों में रहने वाले मकीन हिंदू हैं। इनके पास जीने की बुनियादी जरूरियात का हुसूल तो एक जानेब, ये अफराद तालीम के ख्वाब देखने से भी खासिर हैं। इनके माँ बाप वगैरह गरीब लोग हैं, तो कोई पढ़ाने वाला अगर हो जाए इनके साथ तो ये इंशाल्लाह ये पढ़ के आपको दिखाएंगे। बच्चों को पढ़ाओ, तालीम दो, क्योंकि हमारी भी उम्मीद है हम लोग आगे कुछ बढ़ सके। यहाँ के हिंदू बच्चों को स्कूलों से मजहब की वजह से निकाल दिया गया था, जिसके बाद निजी एनजीओ बदलो अपना कल ने अजम लिया कि हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाले इन पाकिस्तानी शहरियों के मासूम बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम करेंगे। बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल से इसलिए निकाल दिया गया कि वो हिंदू हैं, तो हमें बड़ा दुख हुआ। तो हमने कहा नहीं यार, ये भी बच्चे हैं, ये भी इंसान हैं, इनको भी पढ़ने का हक है, इनको भी उतने ही राइट्स हैं पाकिस्तान के आईन के तहत जितने एक मुस्लिम बच्चे को। हमें आगे आना चाहिए, इन कीमती सरमाए को यूटिलाइज करना चाहिए, इन्हें एजुकेट करना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन ही सबसे फंडामेंटल टूल है चेंज लाने के लिए। कच्ची बस्तियों में रिहायश पजीर लोगों का कहना है कि सड़कों पर फूल फरोख करके गुजर बसर करते हैं और चाहते हैं कि इनके बच्चे भी पढ़ लिख कर मुआशरे में नाम पैदा करें। बदलो अपना कल की टीम ने ये अज़्म लिया है कि अकलियती बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले इन बच्चों के कल को तालीम के जरिए बदल कर दिखाएंगे। कैमरामैन राहिल अहमद के साथ कमल फातिमा, 24 न्यूज़ कराची।